Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we will talk about the inferior mesenteric artery. First we will talk about its origin. Ye originate hamara kahan se hota hai? Jo L3 ka hai, wahan jo vertebra hai uski body se ye originate karta hai. Ye bhi hamare paas aorta jo hai uske in front of uski formation hoti hai, aur hamare paas jo third duodenum hai uske ye behind hota hai L3 ke level par. Ab iske paas jo hai aorta ki jab bifurcation hoti hai usse 3 to 4 cm above jo hai wahan par iski formation hoti hai aur ye hamare paas left side par move karta hai. Of course ab yahan se bhi dekh sakte hain aorta hamare paas yahan divide ho raha hai iske 4 to 5 cm above hamare paas inferior mesenteric artery ki formation ho rahi hai. Ye hamare paas common iliac hai usko cross kar raha hai. Uske baad ye hamare aage ja ke superior rectal ki formation kar deta hai in the sigmoidal mesocolon. इसके हमारे पास आ जाती हैं 3 ब्रांचेस, लेफ्ट कॉलिक, सिग्मोइडल एंड द सुपीरियर रेक्टल. जो लेफ्ट कॉलिक है हमारे पास लेफ्ट साइड पर होती है, और जो हमारे पास लेफ्ट इंट्रा कॉलिक कंपार्टमेंट जो है उसके पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट होती है. ये आगे जाके हमारे पास असेंडिंग और जो डिसेंडिंग है उसमें ब्रांचेज में डिवाइड होती है. जो असेंडिंग वाली है वो हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलोन में एंटर होकर हमारे पास जो मिडिल कॉलिक है उसके साथ जाके एनास्टोमोस करती है. असेंडिंग है वो हमारे पास जो सिग्मोइडल पार्ट है उसको जाके एनास्टोमोस करता है. हमारी सिग्मोइडल ब्रांच है वो भी हमारे लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होती है और अपनी एक दूसरे के साथ ये एनास्टोमोस करती है. और हमारे पास जो मार्जिनल आर्टरी है जो कि मैं आपको आगे से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी वो हमारा उस आर्टरी का लोअर पार्ट की फॉर्मेशन करती है. उसके बाद इसके अपर और लोअर पार्ट्स होते हैं. जो कि अपर पार्ट है ये एनास्टोमोस करता है हमारे पास लेफ्ट कॉलिक के डिसेंडिंग ब्रांच से, और लोअर पार्ट हमारे पास सुपीरियर रेक्टस के साथ एनास्टोमोस करता है. ये हमारे पास जो कोलोन है इन द इलियक फोसा और द सिग्मोइडल कोलोन जो है इनकी सप्लाई करता है. हमारे पास जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये सिग्मोइडल मेसोकोलोन के आगे से ये सुपीरियर रेक्टल की फॉर्मेशन करा देता है. उसके बाद ये वहाँ से आगे हमारे रेक्टम में जाता है जो कि ऑपोजिट होता है हमारे S3 के लेवल पे, और वहाँ पर ये आर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस की फॉर्मेशन करती है. ये हमारा अगर रेक्टम है तो हर साइड पे एक एक हमारी ब्रांच आती है जो कि उसकी जो मस्कुलर कोट है उसको पेयर्स करेगी, और उसके अंदर आगे जाके ये डिफरेंट ब्रांचेस की फॉर्मेशन करती है जो कि फिर आपस में एनास्टोमोस करती है हमारे इनल स्फिंक्टर पे, और वहाँ जाके हमारे पास एक लूप की फॉर्मेशन होती है. अब ये जो ब्रांचेज है हमारी मिडल और जो इन्फीरियर रेक्टल है उस एनल कैनाल की, वहाँ पर जाके ये एनास्टोमोस करती है. जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारे पास जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हमारी इस तरह जा रही है. जो इन्फीरियर पार्ट है इसका सिग्मोइडल कोलोन, सिग्मोइडल मेसोकोलोन से आगे ये सुपीरियर रेक्टल हमारा बन जाता है, और इसके आगे ये ब्रांचेज हैं ये हमारे रेक्टम के ऊपर है. उसके बाद यहाँ से हमारे पास निकलती है लेफ्ट कॉलिक. लेफ्ट कॉलिक जो होती है हमारी वो इन्फीरियर सुप्रा कॉलिक, यहाँ पर जो कंपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है. इसकी जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ये ब्रांचेज होती हैं जो कि आगे हमारी ये कोलोन को सप्लाई कर रही हैं. उसके बाद जो नीचे हमारे पास यहाँ पर होती हैं सिग्मोइडल, सिग्मोइडल जो है ये देखिए आप देख भी सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस कर रही हैं और हमारे पास एक लूप की फॉर्मेशन कर रही हैं. लास्टली हम इसकी समरी की तरफ आ जाते हैं. इन्फीरियर मेसेंटेरिक के हमारे पास आ जाती है लेफ्ट कॉलिक जिसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस, ये हमारे पास मिडिल कॉलिक के साथ एनास्टोमोस करती है और ये सिग्मोइडल के साथ, और ये हमारे पास मार्जिनल आर्टरी का पार्ट बनाती है. ये हमारे पास ट्रांसफर जो मीजो ट्रांसफर्स कोलोन है उसको जाके ये सप्लाई करती है. उसके बाद जो सिग्मोइडल है वो अपर और उसका लोअर पार्ट होता है, अपर लेफ्ट कॉलिक के साथ और लोअर सुपीरियर रेक्टल के साथ एनास्टोमोस करती है, और ये हमारे पास जो सिग्मोइडल कोलोन है और डिसेंडिंग कोलोन उसको सप्लाई करती है. सुपीरियर रेक्टल का राइट और लेफ्ट पार्ट होता है, और ये ब्रांचेस और ये लूप की फॉर्मेशन करती है जो अंदर इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस कर. लास्टली मैं आप लोगों को एक आर्टरी के बारे में पढ़ाऊंगी. ये है हमारे पास मार्जिनल आर्टरी, आर्टीरियल आर्किड. आर्किड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसका क्या मतलब होता है. ये हमारे पास आर्टीरियल आर्किड होते हैं जो कि हमारे पास जो कोलोन है इसकी जो कनकेविटी है यहाँ पर ये हमारे पास मार्जिनल आर्टरी प्रेजेंट होती है. ये बनती कैसे, ये हमारे पास ये जो हमने पिछली आर्टरीज पढ़ी हैं इनकी एनास्टोमोसिस से ही इस आर्टरी की फॉर्मेशन होती है. ये कोई एक स्पेसिफिक या अलग कोई आर्टरी नहीं है. इसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इलियो कॉलिक, राइट कॉलिक, मिडल कॉलिक एंड द लेफ्ट कॉलिक एंड द सिग्मोइडल ब्रांचेज आ जाती हैं. सारी आर्टरीज हैं जो कि हमारे पास कोलोन को सप्लाई करती हैं, और उसके बाद ये हमारे पास जो होती है ना क्लोजेस्ट होती है कोलोन, स्पेशली अपने डिसेंडिंग और सिग्मोइडल पार्ट्स में. ये हमारे पास वेजा रेक्टस की फॉर्मेशन करती है, और मेजरली इसका क्या सप्लाई होगा, कोलोन को सप्लाई होता है. इसका मकसद क्या होता है, इस आर्टरी का इस मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास जो मेन हमारा ट्रंक अगर यानी सीलिक ट्रंक है हमारा वो ख़राब हो जाता है, तो ये जो हमारी एनास्टोमोसिंग ब्रांचेज हैं ये जो मार्जिनल आर्टरी की फॉर्मेशन करिए ये फिर भी हमारे कोलोन को ब्लड सप्लाई देती रहेगी अगर हमारा कोई भी एक ऐसा मेन ट्रंक हमारा ख़राब हो जाए. जैसे कि आप लोग ये देख भी सकते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसकी जो एनास्टोमोसिक ब्रांचेज है ये देखो ये मार्जिनल आर्टरी की फॉर्मेशन कर रही है. देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आ गई है इलियो कॉलिक, हमारे पास राइट कॉलिक होती है इस साइड की तरफ, उसके बाद यहाँ पर मिडिल कॉलिक, यहाँ पर लेफ्ट कॉलिक, और नीचे हमारे पास सिग्मोइडल वाली जो है ये हमारे पास मार्जिनल आर्टरी की फॉर्मेशन करती है. दिस इज ऑल अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द गट. होप यू ऑल लाइक इट. खुदा हाफिज.